खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। नामली के पास गांव नेगरदा में फसल मुआवजा में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। पटवारी द्वारा अपने मिलने वाले किसानों को फसल का सर्वे कर फसल मुआवजा दिलवाया गया, जबकि उन किसानों की फसल नुकसान नहीं हुई, फिर भी उनके खेतों का सर्वे किया गया और आए दिन पटवारी द्वारा ग्रामीण के व्यक्तियों को नामांतरण करने हेतु पावती बनाने हेतु पैसों की मांग की जाती है, जिससे ग्राम नेगरदा के ही राजेंद्र सिंह पिता रण सिंह के खेत में नक्शे के लिए पैसे मांगे और गांव के एक व्यक्ति बालाराम से काम करवाने का बोला गया और पैसे न देने पर उसे पंचायत से निकाल दिया गया। वह पैसा न देने पर उसका काम महीनों तक टाल दिया जाता है और किसानों के द्वारा फोन करने पर यह कहकर फोन काट दिया जाता है कि छुट्टी पर है। छुट्टी पर न होते हुए भी ऐसा होता है। 7 जनवरी 2022 को गांव नेगरदा में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें 8 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हुई थी, जिसमें बोला गया था कि जिन किसानों के खेत में नुकसान हुआ है उनके नाम की लिस्ट लगनी थी, वो अभी तक नहीं लग रही है। मैडम जो ओलावृष्टि हुई हमारे गाँव से पश्चिम दिशा में ओलावृष्टि जो